दीदी ये ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड? ब्रह्मांड में ही तो हमारा सौर मंडल, पृथ्वी, चांद, तारे, ये सब ब्रह्मांड में आता है। दीदी समझ में नहीं आया, ठीक से समझाइए। अच्छा ठीक है, अब हम तुमको बताएंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है, ठीक से समझाते हैं। ठीक है, जरा राजू जरा ग्लोब उठाओ। ये क्या है? ग्लोब। इसको तुम लोगों ने देखा होगा शायद, जी, तुम्हारी कक्षाओं में लगा है ना? जी। अच्छा ये ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का मॉडल। हाँ ये ग्लोब हमारी पृथ्वी का मॉडल है। देखिए ये पृथ्वी घूम रही है कि नहीं घूम रही है? जी। ये किस पर घूम रही है? अक्ष पर। देखिए ये बीच में एक अक्ष है यानी धुरी है, इस धुरी पर हमारी पृथ्वी घूम रही है। इस पृथ्वी में चारों तरफ एक वायुमंडल होता है, हवा का क्षेत्र। वायुमंडल किसे कहते हैं? हवा का क्षेत्र को कहते हैं। इस पृथ्वी के चारों तरफ हवा का क्षेत्र होता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, और इस वायुमंडल के ऊपर जितना भी वायु रहित क्षेत्र होता है वो सब अंतरिक्ष या ब्रह्मांड कहलाता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ तारे तो हमें दूर दूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ तारे होते हैं वो पास होते हैं, एक झुंड के रूप में होते हैं। तो ये जो झुंड के रूप में जो तारे होते हैं इसको हम आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। चलो हम इसको आपको चित्र के से बताते हैं। ये देखिए किसका चित्र है? आकाशगंगा, है ना? तो देखो ये तारों का झुंड है, तारों का ये झुंड होता है जिसको हम आकाशगंगा ही कहते हैं। दीदी क्या ये आकाश में गंगा नदी भी बहती है? नहीं, आकाश में कोई नदी नहीं बहती, लेकिन आकाश में क्या होता है, तारों का एक समूह होता है जो कि एक सफेद पट्टिका के रूप में दिखाई पड़ता है। जरा देखिए बच्चों इधर, ये देखिए सफेद पट्टिका के रूप में दिखाई पड़ रहा है ना? ये क्या है? ये सफेद पट्टिका तारों का एक समूह होता है जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। अच्छा अब जरा देखिए ये गैलेक्सी की परिभाषा है, और गैलेक्सी को हम मंदाकिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जब तारों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो एक झुंड बनाता है, एक सफेद पट्टी बनाता है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। तो वही लिखा है कि असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं, यह दूधिया पट्टी के भांति दिखाई पड़ता है, यानी कि सफेद दूधिया पट्टी की भांति ही दिखाई पड़ता है। और बच्चों ये जो गैलेक्सी है इसी के ही अंतर्गत हमारा पृथ्वी, सौर मंडल, तारे, चांद सब इसी के ही अंतर्गत आता है। अच्छा दीदी इसका मतलब गैलेक्सी का ही एक भाग है? हाँ, आकाशगंगा जो है वो हमारी गैलेक्सी का ही एक भाग होता है, ठीक है। और इसी आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल होता है, ठीक है। सौर मंडल तो तुम लोग जानते ही होगे, पिछली कक्षा में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सौर मंडल के बारे में पढ़ा है? ये देखिए। अच्छा बच्चों आप हमें ये बताइए, सूरज क्या है? तारा। शाबाश, सूरज एक तारा है। और इसी तारे के चारों तरफ कितने ग्रह घूमते रहते हैं? नौ ग्रह घूमते हैं। जरा चित्र को ध्यान से देखिए, ये हो गया सौर मंडल का चित्र, ठीक है। आपने बिल्कुल सही बताया कि सूरज एक तारा है। क्या है सूरज? तारा है। और इसी के चारों तरफ नौ ग्रह, देखिए गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये 9 ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हुए सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये जो हमारी पृथ्वी है ये इसका स्थान तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा। तो देखिए ये अक्ष है, इसी अक्ष से चारों तरफ पृथ्वी घूमती रहती है, और इसी तरह से सारे ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हुए सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इसी को हम सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। सूर्य तथा 9 ग्रहों के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। सूरज को मिलाकर उस और उसके जो 9 ग्रह होते हैं जो उसके चक्कर लगाते हैं उसके परिवार को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। बच्चों ये सौर मंडल जो है वो आकाशगंगा से ही तो आता है, आकाशगंगा में ही तो होता है, और आकाशगंगा गैलेक्सी का एक भाग है, और यही गैलेक्सियां, कई करोड़ों गैलेक्सियां मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। अभी आपने पूछा था ना ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो कई करोड़ों गैलेक्सियां हैं जो कि मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। करोड़ों गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं,
ठीक है, कई सारी करोड़ों गैलेक्सियां मिलकर ब्रह्मांड को बनाती हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, समस्त ब्रह्मांड में गैलेक्सियां फैली हुई हैं। सारे ब्रह्मांड में क्या फैली हुई है, गैलेक्सियां फैली हुई हैं। दीदी तारे और ग्रह एक ही चीज है? नहीं बच्चों, तारे और ग्रह दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अच्छा तारों को तुम कब देखते हो? रात में। हाँ रात में तुम लोग तारे देखते हो, अच्छे लगते हैं ना, टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जैसे ही शाम होती है और रात होने लगती है तो हम आकाश में जब हम देखते हैं तो असंख्य तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। बच्चों ये तारे जो होते हैं स्थिर होते हैं, हमें लगता तो है कि टिमटिमा रहे हैं लेकिन वास्तव में ये स्थिर यानी रुके हुए होते हैं, लेकिन चूंकि हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए हमें ऐसा आभास होता है, ऐसा अनुभव होता है कि वो हिल रहे हैं लेकिन वो हिलते नहीं हैं। जानते हो तारे किसके बने होते हैं? नहीं मालूम? अच्छा हम बताते हैं, तारे जो है एक चमकदार गैस का पिंड है। तारे क्या है? चमकदार गैस का पिंड होते हैं जो कि हमसे बहुत दूर होते हैं और इसमें जो स्वयं का प्रकाश होता है, ये किसी से प्रकाश नहीं लेते, ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अच्छा ये बताओ कि तारे कौन से रंग के तुम लोग को दिखाई पड़ते हैं? सफेद। हाँ तारे तुम लोग को सफेद दिखाई पड़ते हैं लेकिन वास्तव में तारे कुछ और रंग के भी होते हैं, पता है? नहीं मालूम? तारे लाल रंग के, नारंगी रंग के, नीले रंग के भी होते हैं और सफेद भी होते हैं, लेकिन चूंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं इसीलिए हमको इनका केवल रंग सफेद ही नजर आता है। ठीक है, और ग्रह के बारे में तुमने पूछा था, ग्रह और तारे तो अलग अलग हो गए। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह अपने धुरी पर घूमते रहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि तारे नहीं हिलते लेकिन ग्रह क्या होते हैं? धुरी पर घूमते घूमते सूरज के चक्कर लगाते हैं, यानी वो ग्रह गतिमान होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो ग्रह होते हैं इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूरज से प्रकाश लेते हैं। ठीक है, तारों में किसका प्रकाश होता है? स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तारे जो होते हैं वो एक चमकदार गैस का पिंड होते हैं और ग्रह जो होते हैं वो गतिमान होते हैं, तारे स्थिर होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आप मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए। भाई इसको तो तुम रोज आकाश में देखते होगे, तारे भी पाते हो और चांद भी पाते हो कि नहीं पाते हो? हाँ, अब जरा सोच के बताओ कि तारे बड़े हैं कि चांद? दीदी आपने एक ऐसा सवाल पूछा है तो सभी को पता है। अच्छा तो बताओ क्या पता है? चांद। चांद बड़ा होता है? हाँ। तुम बताओ। दीदी चांद ही बड़ा होता है। तो हाँ, दीदी चांद। हाँ चांद और तारे में तुम लोग क्या कह रहे हो, चांद बड़ा होता है? जी दीदी। वास्तव में तारे बड़े होते हैं, जानते हो तारे चांद से बहुत बड़े होते हैं। चांद तो तारों के सामने बहुत छोटा होता है लेकिन क्या होता है, ये तारे जो होते हैं बहुत दूर होते हैं, चांद तो हमारे पास होता है। तुम्हें याद होगा कि पृथ्वी का एक उपग्रह, यही उपग्रह तो चांद होता है और ये हमारे पृथ्वी के तो पास होता है, लेकिन जो तारे हैं वो बहुत दूर होते हैं, इतनी दूर होते हैं कि वो हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं और चांद हमारे पास होता है इसलिए हमें बड़ा दिखाई पड़ता है। अच्छा बच्चों तुम लोगों ने मेले से कभी गैस का गुब्बारा खरीदा है? जी। खरीदा है? जी। तो सबको हंसी आ गई गुब्बारा सुनकर, क्यों है? अच्छा ये बताओ जब तुम गुब्बारा खरीदते हो तो वो कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। कभी ऐसा हुआ कि हाथ से गुब्बारा वो डोर छूट गई हो? हुआ है कभी ऐसा? एक बार हुआ दीदी। अच्छा तो जब तुमने खरीदा तो वो इतना बड़ा था लेकिन जैसे उसकी डोर छूट गई तो वो उड़ता गया। जब खूब ऊंचा चला जाता है तो क्या उसका आकार अभी भी यहाँ से उतना ही बड़ा दिखाई पड़ता है? छोटा हो जाता है, लेकिन कहीं से अगर हम उसको खींच के नीचे ले आए तो उसका आकार उतना ही बड़ा बड़ा होता है ना, यानी कि जब वो हमसे दूर गया तो उसकी आकार छोटा दिखाई पड़ा लेकिन वास्तव में वो छोटा नहीं होता। वैसे ही तारे हमसे दूर है, बहुत दूर है, इसीलिए वो हमको छोटे दिखाई पड़ते हैं और चांद हमारे पास है इसलिए हमें बड़ा दिखाई पड़ता है। लेकिन हकीकत में वास्तव में क्या होता है, तारे जो है बहुत बड़े होते हैं और चांद छोटा होता है। अब थोड़ी बहुत बातें समझ में आई कि नहीं आई? दीदी हम सबको ब्रह्मांड के बारे में सबको समझ में आ गया। हाँ दीदी। इसका मतलब तुम लोग समझ गए हो, है ना? जी, तो अब हम कुछ प्रश्न पूछे तुम लोगों से? जी, दीदी। पूछे मुझे? जी। अच्छा तुम ये बताओ हमें कि सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं। बिल्कुल सही। तुम ये बताओ सूरज क्या है? एक तारा। अच्छा आकाश गंगा किसका भाग होता है? गैलेक्सी। हाँ आकाश गंगा गैलेक्सी का भाग होता है। और अब तुम बताओ तारों की कितनी संख्या है?
अनगिनत। हाँ, तारों की कोई संख्या, असंख्य तारे होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं। ठीक है।